इसके अंदर पूरा मटन का कीमा किया हुआ है। Hey guys, welcome back to another video। और इस बार आपको सस्ती मस्ती का 6th पार्ट दिखा रहे हैं, और वो भी कहाँ, तो संध्या टावर के बिल्कुल बाहर। और आज आपको देखने को मिलेगा कलकत्ता का कुछ स्पेशल डिश, ठीक है। तो अभी कहाँ है तो पहले वो देख लीजिए, और क्या दिखाने वाले हैं वो थोड़ा सा आपको बाद में पता चलेगा। चलो, तो ये जो जगह है, ठीक है, बेसिकली पार्क स्ट्रीट, जहाँ आपने नाम सुना होगा, तो कलकत्ता का काफ़ी फेमस जगह है। कहते हैं वहाँ पर वो जगह कभी भी वहाँ पे कुछ सोता नहीं है। कहने का मतलब कि वो चकाचौंध वाली जगह होती है ना, वो रात भर वहाँ चकाचौंध होती है। खैर, तो अभी यहाँ पे क्या क्या मिलता है, उस पर बेसिकली कुछ कुछ यहाँ पे डिफरेंस है, जो कि कलकत्ता वाला बेसिक डिशेस होता है ना, वो उस तरीके का, उसका फ्लेवर्स वगैरह, तो ये सारा कुछ यहाँ पर मिल रहा है। और यहाँ पर एक डिफरेंस मैं आपको बताना चाहूँगा। सपोजिंगली आपको कस्टमाइज़ करवा के ऐसा खाने का मन हो कि आपको कुछ चीज़ एक पीस चाहिए, ठीक है, तो ऐसा आपके साथ कभी हुआ है कि आपको ना मिला हो? मतलब कि यार देखो, आपके पॉकेट में बजट कम है और लेना ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, तो यहाँ पे उसी का समाधान है, ठीक है। आपको लिटरली मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूँ, इसका एक बार आप मेन्यू चेक करेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा। जस्ट हैव अ लुक ओवर, ठीक है। ये जो प्राइसिंग आप देख रहे होंगे, सारे का सारा अंडर 100 दिखा रहा है, ठीक है। मतलब 50 रुपये के आसपास ही लगभग सारे रेंग रहे हैं, ठीक है। अब देखो, ये जो इसके जितने का प्राइसेस है ना, सारे पर पीस हैं, ठीक है, पर पीस प्राइसिंग है। अगर आपने देख लिया हुआ वीडियो पॉज वगैरह कर करके, ठीक है। तो फिलहाल अभी हम लोग इसमें क्या क्या लेने वाले हैं मैं बता देता हूँ। तो एक बार देखिए, ये चिकन चॉप मुझे कुछ अलग लगा, ये मैं ये लेने वाला हूँ। और साथ ही साथ हम लोग लेंगे फिश कटलेट और मटन कटलेट। हमने तो यहाँ पूछा तो भैया तो बोल रहे हैं कि सारा ही इनका कलकत्ता वाला टाइप का ही डिश है, क्योंकि यहाँ पर जो चिकन लॉलीपॉप है डमी पीसेस, हाँ मैं बताना भूल गया कि यहाँ पर कुछ आपके देखने के लिए डमी पीसेस भी रखे हुए हैं, ठीक है। तो एक बार भैया से भी पूछ लेते हैं, ठीक है भैया, थोड़ा सा एक बार बता दीजिएगा, सारे का नाम बता दीजिएगा, कौन कौन सा क्या है। चिकन लॉलीपॉप, वो मटन कटलेट, चिकन चॉप, चिकन काठी कटलेट, एग डेविल, ड्रम स्टिक, चिकन विंग्स, क्रिस्पी चिकन बॉल्स, फिश फिंगर, फिश कटलेट। तो ये आपने देख लिया, इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे पड़ी हुई है। तो हमने आपको 3 आइटम मेंशन कर दिया है, ठीक है, तो हम लोग वो 3 आइटम ही लेंगे, ठीक है। और देखते हैं, कलकत्ता तो नहीं गया आदि, लेकिन कोई बात नहीं, ये कलकत्ता का डिश रांची उठ के आ गया है, तो यही ट्राई किया जाए क्या। तो ये जो आप इनका छोटा सा सेटअप देख रहे होंगे ना, जैसे एक छोटे से एरिया पे इनका पूरा प्रॉपर सेटअप है, और सारा कुछ लगभग से फ्राइड डिशेस ही है मेरे हिसाब से यहाँ पे। हाँ भैया, हाँ, सारा कुछ यहाँ फ्राई वाला ही है ना। हाँ पे प्राइसिंग वगैरह जितना है ना, तो मेरे को तो ये भाया। अब देखते हैं, भैया यहाँ पे फ्राई कर रहे हैं चिकन चॉप, ठीक है, तो चलिए वेट करते हैं। तुम कभी ट्राई किया आदि चिकन चॉप? नहीं, पहली बार ट्राई करेंगे। फिश कटलेट? नहीं। मटन कटलेट? कुछ नहीं। मटन का कटलेट काय खाएगा भाई, तो मटन का हम लॉलीपॉप ट्राई किए हैं बाकी। अच्छा हाँ, यहाँ पे कुछ लॉलीपॉप शायद अलग होने वाला है। भैया ये लॉलीपॉप कैसा होता है यहाँ पे? फ्राई होगा, फ्राइड वाला है, और इसके साथ कुछ चटनी सॉस कुछ जाता है? हाँ, चटनी, चिल्ली सॉस, अच्छा, ग्रीन सॉस, अच्छा, और टोमेटो सॉस। अच्छा, और ये जगह पार्क स्ट्रीट रखने का नाम, भैया मतलब आप भी कलकत्ता से हैं क्या? नहीं, मेरा जो शेफ है वो कलकत्ता से। अच्छा, तो आज शेफ छुट्टी पे है? वो किचन पे है, किचन से सब सामान बना के देता है। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब कि वो मेन शेफ है और आपको यहाँ पे रेडी टू। ओके, सो ये देखिए, ये है चिकन चॉप, ठीक है, और इसके साथ क्या क्या मिला है, ग्रीन चटनी, टमाटो केचप और ग्रीन चिल्ली का ये सॉस, हाँ ठीक है। तो चलो इसको ब्रेक डाउन करते हैं। ऊपर से देखो, इसकी कोटिंग जो है ना, ब्रेड क्रम डाला गया है, और ओके, तो ये काफ़ी कुछ है। एक तो मुझे मिंस कुछ दिख रहा है, और साथ ही इसके अंदर चिकन के चंक्स दिख रहे हैं। सो देखते हैं क्या है ये, ठीक है, चलो ट्राई किया जाए। ये ऐसा नहीं कि पूरा मिन्स चिकन ही है, ठीक है, इसके अंदर शायद पोटैटो का
जैसा एक होता है ना कटलेट बना करके उसके अंदर चिकन के चंक्स डाले गए हैं शायद से, मुझे तो बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है। अरे वाह, भैया से भी पूछते हैं ना भैया, ऐसा ही है ना? देखो तो ऐसा ही है। और बाकी बात बोलूँ कि चिकन के चंक्स, ठीक है, आप क्वांटिटी अगर पूछेंगे तो ये देखो मैं इसे एक बार उघार के भी दिखा देता हूँ तो ताकि आपके लिए अच्छा हो जाए। लगभग लगभग बड़े बड़े 6 चंक्स गए हुए हैं ऑफ दिस साइज, ठीक है। और टेस्ट वाइज बोलूँ तो अच्छा है, बाहर से क्रिस्पी है और बाकी डीप फ्राइड है, तो डीप फ्राइड में जितना ऑयल ये अपने ऊपर रिटेन करेगा तो उतना तो है ही। क्रंच तो ऊपर से ही समझ में आ रहा है, क्रंची तो है। इसमें लेकिन ना देखो एक काम किया जा सकता है, ठीक है, किसी वेजिटेरियन को अगर ठगना हो ना तो बोलना आलू है, देखो ना आलू पैटी, ठीक है, चिकन खिला दो, बस हो गया काम, फिर लड़ेगा आपसे। सही है, गर्मा गर्म है और क्रंची है, क्रंची रियली क्रंची है। खैर ये मुझे बहुत ज़्यादा वाव में नहीं बोलूँगा लेकिन हाँ ठीक है। और होप अगर कोई कलकत्ता वाला देख रहा है तो प्लीज़ बताओ कि क्या आपका मतलब जो चिकन चॉप है ये ऐसा होता है, तो ताकि हमें भी पता चले और हमारी ऑडियंस जो है वो कमेंट सेक्शन में चेक कर सकती है। तो हमने चिकन चॉप तो ट्राई किया और दैट वाज ओकेश, अच्छा लगा और काफ़ी क्रिस्पी था बाहर से। तो ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं, ये है मटन चॉप लेकिन सॉरी मटन कटलेट, लेकिन इसमें और जो चिकन चॉप है उसमें काफ़ी डिफरेंस होने वाला है। अब उसमें क्या डिफरेंस होने वाला है तो वो हम लोग लेते हैं, उसके बाद आपको दिखाएंगे, अभी ही क्यों सारा कुछ बताना। वैसे ये इस जगह का नाम मैं दोबारा मेंशन करना चाहूँगा, ये है पार्क स्ट्रीट, ठीक है, और ये जो डंगरा टोली वाला रिलायंस है उसके बाहर है। वैसे एक पार्क स्ट्रीट आपने अगर देखा हो या हम लोगों ने सुना है, देखा नहीं है क्या अभी, काके के पास भी है शायद ना, काके का हाँ। वो जो जहाँ पे काके वाला रिलायंस के बाहर बगल में, आपका ही तो नहीं है भैया, आपका ही है क्या? हाँ, हम लोग का हुआ अभी तो बंद है। अच्छा अभी बंद है, ये देखो अब बोलो आउटलेट कहना है, फ्रेंचाइज चल रहा है ये भी ठीक है भाई। अच्छा भैया आपका ये जो फिश होता है ये बोनलेस है क्या? हाँ पूरा बोनलेस, बोनलेस है। कौन सा फिश होता है? बेटकी। तो देख लीजिए बोनलेस फिश है, तो जिन लोगों को कांटा निकालने नहीं आता है ना उनके लिए बहुत अच्छी चीज़ है कि भाई उस झंझट से बच जाओगे। सो मेरा चैनल का मटन स्पेशलिस्ट आदि बना हुआ है, ठीक है, तो ये मटन कटलेट हम लोग आदि से ही ट्राई करवाएंगे और इसकी प्रेजेंटेशन भी सेम है, ऊपर से थोड़ा चाट मसाला और ग्रीन चटनी और बाकी वही टमाटो केचप और ग्रीन चिली सॉस। तो अंदर से दिखाओ आदि कैसा है, खा गया पहले, दिखाओ पहले, नहीं ये नहीं इसको खोलो, यस हमको लगा मैं समथिंग टोटली क्या इसके अंदर पूरा मटन का कीमा किया हुआ है। ओके एंड टेस्ट हम किए, अच्छा है, लाइक मसालेदार है कि क्या है? हाँ हल्का हल्का मसालेदार है और सॉस के साथ और चटनी के साथ काफ़ी अच्छा जा रहा है। देखा जाए कैसा मसाला है इसमें, देखो भाई इसको, क्रंची तो है, क्रंची तो एज यूजुअल मींस ऊपर से जो कोटिंग सेम कोटिंग। ये चिकन वाला ज़्यादा बेटर लग रहा है ना? हाँ ये चिकन वाला ज़्यादा बेटर जा रहा है, मतलब इसमें फ्लेवर अच्छा आ रहा है, मुझे मसाले वगैरह का हाँ हल्का मसाला जा रहा है, साथ में थोड़ा थोड़ा कीमा के साथ शायद प्याज भी लिया हुआ है ना भैया? क्या क्योंकि वो एक जो भुना हुआ प्याज का होता है ना टेस्ट जो कीमा में, वो मेरे को आया जो मैंने टेस्ट किया, और साथ ही साथ काफ़ी टाइप के खड़े मसाले जो है इसके अंदर वो टेस्ट है, ठीक है, मतलब कि अगर कटलेट बोला तो ऐसा नहीं है कि पूरा बिलायती हो गया बाहरी वाली चीज़ें, नहीं इसमें गए हुए हैं अपने ही मसाले हैं और थोड़ा मसालेदार है अंदर से, तो अच्छा है ये। तो अब देखो भाई फिश का वेट करते हैं, वो फिश आएगी, हालांकि ये मत सोचना कि यहाँ से उठा करके दे रहे हैं, ये भाई डमी पीसेस है, मतलब कि यहाँ रखे हुए हैं, ये यहीं रखे हुए रहेंगे, जो भी काम हो रहा है वो अंदर हो रहा है, ठीक है। सो अब मेरी बारी, ये है फिश कटलेट और इसके ऊपर लिटरली देखो ब्रेड क्रम्ब की वजह से काफ़ी अच्छा क्रिस्प लेयर आया है,
और आई एम एक्सपेक्टिंग लिटरली वूजिंग आउट, मतलब कि एकदम फिश एकदम बिखरता हुआ। खैर चलो तोड़ते हैं। अभी देखो प्लेटफॉर्म मेरे पास नहीं है तो प्लेटफॉर्म यहाँ बना देते हैं, ठीक है? चलो भाई तोड़ा जाए इसको। देखो पूरा एक मछली बाहर आ गया यार, कोटिंग समेत। वापिस जा तुम। तो ये लिटरली अगर आप देखें ना, काफ़ी क्रिस्प और अंदर से देखो एकदम मॉइस्ट फिश। लिटरली एक तो यहाँ से फिश बाहर आ चुका है, ये देखो। गरम है, बहुत गर्म है क्या? पूरा गर्म, बहुत टेस्टी। लिटरली ये फोड़ दिया, लिटरली चिकन और मीट बाद में, बहुत टेस्टी है ये। ऑडियंस वांट्स टू नो, इज इट वर्थ इट? बहुत ज़्यादा, ये वर्थ इट है भैया। इसके ऊपर आप मैरिनेशन क्या लगाते हैं? थोड़ा खट्टा सा मैरिनेशन आ रहा है, लेमन वाला कुछ रहता है क्या? लेमन का लिटरली एक जो फ्रेशनेस होता है ना, गजब का आ रहा है। ये यहाँ के मस्ट ट्राई है, फिश कटलेट। आओ फिश कटलेट लेके जाओ, लिटरली अंदर से देखो फिश कितना ही सॉफ्ट दिख रहा है। बाहर से ही आपको दिख रहा होगा यार, मेरे दिखाने की जरूरत भी नहीं है, इतनी सॉफ्ट है। आप बात मान लो और यही बांध के खा लेना। बहुत सही। सो सारा कुछ हमने ट्राई किया और काफ़ी मजेदार था सब कुछ, लेकिन जो फिश है उसने दिल जीत लिया है। और फिश के अंदर जो था ना, एक लेमन का फ्रेशनेस था काफ़ी अच्छा सा, और जो जिंजर गार्लिक वाला जो फ्लेवर आता है ना, मतलब कि जो मैरिनेशन के ऊपर जो थोड़ा थोड़ा सा लगता है फिश के ऊपर, वो लिटरली बहुत अच्छा टेस्ट कर रहा था। अब देखो बोलूँगा ना कि फिश मेरे लिए मेरा टॉप पे है, ठीक है? उसके बाद मटन, उसके बाद जो चिकन चॉप है, ठीक है? मैं चिकन चॉप को उतना ज़्यादा रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है? आप मटन के लिए मैं बोलूँगा कि आप ट्राई कर सकते हो, और फिश के लिए है कि ज़रूर ट्राई करना, ठीक है? सो होपफुली यू गाइज एंजॉयड द वीडियो, और अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है? और वीडियो को लाइक भी कर ही देना, और कुछ भी अगर डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना, अगर कुछ भी अदर डिटेल्स चाहिए तो, ठीक है? डिस्क्रिप्शन अच्छे से भरा पड़ा मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना और सारा डिटेल्स वहाँ आपको मिल जाएगा। सो सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।